श्रीमान घनश्याम मिश्र एडवोकेट जी, जिला प्रभारी श्रीमान राजीव सक्सेना जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सरदार कमलजीत सिंह जी, हरदोई जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान सर्वेश पांडे जी, और इस मंच का संचालन कर रहे हम सबके अग्रज श्रीमान विजयपाल सिंह यादव जी, उपस्थित किसान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं और मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मित्रों, इस चीनी मिल मैदान में आने का दूसरा अवसर है। पहले मैं जब आया था तो इसी चीनी मिल मैदान से लेकर के 33 किलोमीटर कितना है शाहजहांपुर यहाँ से, 22 किलोमीटर यहाँ से लेकर के खिरनी बाग तक हम लोग पदमार्च करके गए थे और हमने अपनी बात सरकार से रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों की बात सरकार ने आज तक न सुनी और न सुनने का मन बना रही। लेकिन सत्ता में आने के लिए किसानों का ही कल्याण करने की बात कहके किसान से वोट मांगती। आज मेरा आपसे रूबरू होने का मकसद बहुत थोड़ा सा है। पहला तो ये है कि इस समय सबसे ज्यादा किसान को परेशानी है तो वो धान की, उसकी बिक्री नहीं हो पा रही। लेकिन इसके साथ ही बहुत से किसान हमारे मक्का, ज्वार, बाजरा भी किए हैं, नहीं खरीद रही है। लेकिन किसान के लिए अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन था तो संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम किसान के लिए 3 कल्याणकारी बिल पेश कर रहे हैं और वो उन्होंने बिल पास किए थे।